कैसे आप लोग, क्या चल रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन, बात की जाए पेपर की, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलर लिटरेचर। तो पॉपुलर लिटरेचर पेपर नंबर 6 फॉर थर्ड सेम स्टूडेंट्स, थर्ड सेम। अब आपने कहा थर्ड सेम स्टूडेंट वाले पिछली वीडियो देख चुके होंगे सीरियसली अमेरिकन लिटरेचर की। अब आपने कहा सर अब आ गए पॉपुलर पे, तो वन मोर रिक्वायर्ड, वेट करो शायद आज ही वो भी मिल जाए। कम टू द पॉइंट, हमारे पास आगे कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस पेपर इज टेडी हीड। रीजन अब टेढ़ी खीर क्या होती है मैम, कुछ डिफाइन करो तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगी यार, या पेपर को करना डेफिनेटली एक टफ टास्क हो गया। द वेरी फर्स्ट वी डू हैव द प्ले, वी डू हैव द नॉवेल्स, वी डू हैव द शॉर्ट स्टोरीज, वी हैव द पोएट्री, वी आर हैविंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पैराग्राफ इन दिस पर्टिकुलर पेपर। ये सारे के सारे बॉन्ड और पेपर में आते भी। एंड सॉरी टू से दैट वी डोंट हैव ईच एंड एवरी, सर हर वीडियो का कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। अगर बोलूं सर कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो नोट्स पे तो डेफिनेट मिलेगा, वहाँ पूरा है, लेकिन हाँ आपको वहाँ कहीं नहीं मिलेगा जहाँ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चे कोशिश करेंगे सर मिल जाए पेपर का कंटेंट क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। नाउ आई लेट यू नो वन थिंग क्लियर, पहली चीज अगर इस पेपर को ऑन टिप करना है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो पहले कुछ चीजें लिख लो, रिस्ट निकालो, मैं बोल रहा हूँ प्लीज फॉलो कर लेना, जो नहीं करेंगे आई कांट हेल्प देम। द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू क्लियर द कैरेक्टर्स, whether it's a short stories, whether it's a novel, whether it's a play, आपको characters clear करोगे and make a character chart। सबसे पहला काम character chart, characters and then write down the plot, plot in your words, that is the key। जिस बंदे ने plot लिख लिया वो paper में answer दे देगा। and the most important thing, जो नहीं करने इस पेपर के अंदर, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर में समरी नहीं लिखनी है। जिस किसी ने समरी लिख दी भाई वो कंफर्म फेल है। फिर आप बोलो मैंने आंसर देख के लिखा था, मेरे को दोस्त ने भेज दिया था आंसर, भैया समरी के नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जाम बहुत क्लियर है, उसको पता कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया। यू नीड टू क्लियर द क्वेश्चन देन राइट द आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती आंसर लिखते हुए क्या होती है, ये नहीं तो आंसर गलत गया और भाई उन्हें क्वेश्चन नहीं समझा होगा, तो ये आप ध्यान रखना। यू आर इंग्लिश ऑन स्टोन, थर्ड सेम आ चुका है, कैसे आए थर्ड सेम में दैट्स नॉट बिग क्वेश्चन नाउ, हम सब जानते हैं, लेकिन थर्ड सेम में हम हैं तो अब भाई एक इंग्लिश ऑन स्टोन की तरह आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। यू नीड टू परफेक्ट इन एबीसी, यू नीड टू परफेक्ट इन एसीटी। अब एबीसी क्या और एसीटी क्या, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो मैंने डाली हुई उन वीडियोज को देख लेना, उसके लिए बेल दिख रहा बेल आइकन सर नोटिफिकेशन वाला, उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी चॉइस एंटायरली योर्स। कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग थ्रू द लुकिंग ग्लास, 100% इसका क्वेश्चन होगा, 100%। अगर थ्रू द लुकिंग ग्लास नहीं किया तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं भाई इस पेपर को पास होना का जो सपना ना वो भूल जाओ अगर आपने ये नहीं किया हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज द प्ले इन द स्टोरी दैट इज थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। इसके बाद एक और बताऊंगा अभी, दैट इज द मर्डर और रोजा ऑकवर्ड। ये दो ऑनेस्टली जिनको पास करना है ये दो की है, दीज टू आर द की टू पास दिस पेपर। अलोंग विद आई कैन ऐड वन पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बेसिक स्टोरी दैट इज भीमन्या द एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी। यस भीमन्या द एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी अलोंग विद वी कैन से द वेटिंग फॉर वीजा द वर्क ऑफ अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग, ग्रेट पर्सन। अब यहां उसको क्लियर किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को बताया क्या चीजें ऐड ऑन की गई है, सर वी नीड टू मेंशन दिस, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इस पेपर को क्लियर करना है किसी ने भी, वो कह रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं। नंबर वन थ्रू द लुकिंग ग्लास, नंबर टू द मैटर ऑफ द रोज ऑकवर्ड, देन भीमन ने द एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी एंड वेटिंग फॉर वीजा। ये तीन चीजें ऑन टिप करो, यू विल क्रैक दिस पेपर इजिली। नहीं कर पाए तो मुझे बोलना सर आपने गलत बताया था, पेपर चेक कर लेना अपना, 100% ये तीनों क्वेश्चन होंगे वहां पे। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन सर पोएट्री, वी हैव द पोएट्री, ज्यादा नहीं सर दो पोएट्रीज हैं, द सॉन्ग्स ऑफ राम गरो एंड द स्ट्यू मच। इज इट इंपॉर्टेंट टू डू द पोएट्री, अगर बोलूं एक क्वेश्चन पोएट्री का होगा तो फिर तो सीरियसली इंपॉर्टेंट है, कह लेते हैं कुछ गलत नहीं होने वाला, चॉइस तो हमारे पास होगी।
बिगिन विद दिस वन यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तीन करने के बाद. तो द सन्स ऑफ लैंड गैरो एंड द स्ट्यू मच. नाउ कम टू द नॉवेल्स. नॉवेल्स का आंसर फर्स्ट वन नाइट फॉल. आई लव दिस स्टोरी द नाइट फॉल. क्यों रीड करो तो पूरा पता लगेगा. एंड यू गो टू ईच एंड एवरी पॉइंट. सो इट्स अ नॉवल बेस्ड ऑन फिक्शनल प्लैनेट. फिक्शनल प्लैनेट वो अगले वाला आएगा सर. फिक्शनल प्लैनेट में और कई सारी चीजें जैसे द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम द आर्मलेस नॉवल. सर ने इसमें अल्फा बीटा गामा ये क्लास 10 में एक स्टोरी पढ़ी थी आपने अगर याद हो किसी को. ये वो नहीं है लेकिन हाँ कुछ आपको फील आएगा दैट यू डू हैव इन अ सर्टेन डिफरेंट प्लैनेट्स. कहानी वहां जंप करती है और हम इमेजिनरी में जाते हैं. वी बीन इन इमेजिनरी वर्ल्ड फिक्टिशियस वर्ल्ड. सो द नाइट फॉल नाउ इज बेस्ड ऑन फिक्शनल प्लैनेट. And the ones who walk away from the omens. Again a novel, again a fictitious, again lots of things are there. जिनको clear करना है और concepts को भी समझना है. Are you able to find out the video? All these? Yes. मैंने कहा channel को subscribe कर लेना. नहीं किया तो can't help it यार. Jump on next one. The Minority Report. What do you mean of Minority Report, sir? Actually, this is a storyline. जो हम सबको आंटी पहुंची. The Minority Report. सर दिस इज द राइटिंग फॉर मार्जिन. एक पेपर है एमए के अंदर नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है. तो यहाँ ये सारी चीजें वहां से ली गई. दिस आर मार्जिन राइटिंग्स. सो द माइनॉरिटी रिपोर्ट स्टोरी लाइन अ साउंड ऑफ थंडर. आई लव दिस स्टोरी सीरियसली. आई लव दिस स्टोरी एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस. अ साउंड ऑफ थंडर. दो शॉर्ट स्टोरी होगी. शॉर्ट स्टोरी होगी दो. बहुत ईजी है. फर्स्ट द माइनॉरिटी रिपोर्ट द सेकेंड अ साउंड ऑफ थंडर. आई होप कि आप लोग सब के सब इनको करेंगे. अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी फेज हो जाएगा. एंड देन वन मोर वी आर हैविंग द आइस एज कॉमेट. द आइस एज कॉमेट. तो ये है कोर्स कंटेंट जो हमें करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर पॉपुलर लिटरेचर पेपर नंबर 6 फॉर थर्ड सेम स्टूडेंट्स. सो द स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर. कैसे करेंगे प्रिपेयर. क्या होगा बेस्ट वे टू क्रैक दिस पेपर विद इन दिस वीक. सीरियसली मतलब सर ज्यादा नहीं टाइम आया बस कुछ 5-7 दिन ही है. उन 5-7 दिन में हम इसको कैसे क्रैक करते हैं बड़े आराम से करते हैं. स्ट्रैटेजी सीरियसली वही होती हमेशा. मैं बताता हूँ कौन बच्चा कैसे पढ़ेगा पढ़ने का तरीका क्या हो क्या बेसिक पॉइंट्स होंगे किन चीजों लेके चलना है ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए. एंड यस यू गाइस कैन क्रैक द पेपर इजिली. सबसे पहले स्टोरी लाइन क्लियर करना जो सीरियसली हैं और उनको पता है कि हमें पेपर क्रैक करना है. बायरोक और बायरोक उनको बता रहा हूँ फॉलोअप करें. सबसे पहले स्टोरी लाइन को क्रैक करना. क्या है स्टोरी लाइन. प्लॉट्स को क्लियर करना. प्लॉट्स को क्रैक करते ही आपके दिमाग में आता है कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स का एक चार्ट बना लें. मतलब स्टोरी लाइन क्लियर की आपके दिमाग में स्टोरी लाइन फिट हो गई यार ये कहानी चल रही है ये स्टोरी लाइन है. बिकॉज देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग एंड वी नीड टू क्लियर दैट स्टोरी फर्स्ट. तो आपने पहले वो स्टोरी लाइन क्लियर की. जैसे स्टोरी लाइन क्लियर हुई नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू जंप अप टू द कैरेक्टर चार्ट. एक कैरेक्टर चार्ट पूरा तैयार करो. ये है कैरेक्टर चार्ट. उसको लिंक्ड अप करो ऑल द मेजर कैरेक्टर विद माइनर कैरेक्टर्स. देन कम टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज ऑल अबाउट थीम्स. थीम्स को क्लियर करना जरूरी. हाँ वो बहुत जरूरी होता है हमेशा से इंपॉर्टेंट है. अब आगे अब थीम्स के ऊपर. थीम्स को रूल आउट किया आपने क्या थीम्स है कैसे काम करना है करने का तरीका क्या होगा किन बेसिक्स को फॉलो अप करना है वो आपने किया. चलो सर थीम्स भी क्लियर होगी हमारी. नाउ वी बीन क्लियर विद द थीम. नाउ आई नीड टू कम अप विद द लास्ट फेज दैट इज आई नीड टू नो हाउ टू राइट द आंसर. कैसे लिखें आंसर्स इंग्लिश ऑनर्स के अंदर. ऑनेस्टली हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आंसर लिखना है. तो आंसर के लिए आपको ABC फॉलो करना है. दैट्स एक्यूरेसी बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी दैट मस्ट बी इन योर वर्ड्स. एक फ्लो वर्ड्स होना चाहिए आपके आंसर में. लगना चाहिए हाँ बिल्कुल सब कुछ फ्लो में आ रहा है कुछ भी इधर उधर नहीं है. एवरीथिंग बीन रियली वेरी मच सिचुएटेड. कहाँ पे होना चाहिए क्या है किन सॉर्ट को लेकर चल रहा है वो पॉइंट होना चाहिए. एंड देन यू गाइज नीड टू फॉलो ACT. व्हाट डू यू मीन ACT. ACT इज योर की फैक्टर. एनालाइज द क्वेश्चन. यू गाइज नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन. क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो. पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो क्या पूछ रहा हमसे. उससे हमसे पूछा गया एनालाइज करो उसको पूरा पूरा. एंड देन गो टू द कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट पे आओ पूरा उस कॉन्सेप्ट को समझो. नाउ यू बीन क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको. नाउ जंप टू द टेस्ट द लास्ट. हमें क्या लिखना है.
सर समरी से कभी आंसर शुरू नहीं होते, फैक्ट है, लेकिन समरी के बिना आंसर पूरे भी नहीं होते, क्योंकि समरी हम ऐड नहीं करते तो आंसर में लेंथ नहीं आएगी। उसको ऐड करो, लेकिन एट द लास्ट ऐड करो, जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां ऐड करो, तो समझ में आता है। एप्रोप्रिएट वे में चीज को इंप्लीमेंट किया जाए तो हर चीज बहुत अच्छी लगती है और बड़े आराम से नंबर भी मिलते हैं उस पर। लेकिन अगर आप बिगिनिंग समरी से कर दोगे तो टीचर कहीं नंबर नहीं देने वाला यार। आई होप यू गेट द पॉइंट क्लियर इन योर माइंड। Wish you all the best and make sure that you're going to like, share and subscribe the video and press that bell icon so that you won't miss any video. Till then, keep watching guys. All the best.